नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबरनामा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर सौंधी सुगंध से सराबोर वातावरण तो केसर चंदन से सुवासित होता दिगंबर जैन मंदिर का परिसर। खुशनुमा मौसम तो मंदिर में भक्त गंगा में डूबा श्रद्धालुओं का मन। सुगंध दशमी पर्व पर रविवार को दिगंबर जैन मंदिरों में कुछ इसी प्रकार का माहौल रहा। दिन भर भक्ति रस की धारा बहती रही। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का उत्साह परवान पर रहा। सुगंध दशमी के पर्व पर जैन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने जाने का दिन भर तांता लगा रहा। पुरुष व महिलाओं ने सुगंध दशमी पर्व और शीतलनाथ भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर व्रत उपवास रखा। साथ ही सुगंध दशमी कथा का वाचन किया गया। दोपहर बाद मंदिर में धूप खेई गई व श्रद्धालुओं द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य जुलूस निकाला गया। रविवार को दशलक्षण पर्व के तहत सुबह कलशाभिषेक शांति धारा नित्य नियम के साथ उत्तम संयम धर्म की पूजा अर्चना की गई। पंडित चेतन जी शास्त्री ने बताया कि गाड़ी के लिए ब्रेक जरूरी है, ठीक उसी प्रकार संयम मनुष्य के लिए जरूरी है। यह धर्म हमें संयम सिखाता है, जो संयम से काम लेता है वही आगे सफलता हासिल करता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में जैन समाज के महिलाएं, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। सायंकाल मंदिर में माँ आरती के साथ पंडित चेतन जी शास्त्री द्वारा प्रवचन एवं रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया। नामा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।